हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं फिर से आपके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एंड बेटकिन रेसिपी लेके आई हूँ। इस फूड को बनाना काफ़ी आसान है। इस फूड को आप कभी भी लंच या डिनर पे दे सकते हैं। और आपका बच्चा खाना खाने के लिए आनाकानी करे या तो फिर हल्की फुल्की भूख हो तो इस फूड को आप ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस फूड को बनाने के लिए यहाँ पे प्रेशर कुकर में हम इस फूड को तैयार करने वाले हैं। आप चाहे तो पेन या तो फिर कढ़ाई में भी इस फूड को बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस फूड को बनाने के लिए कुकर पहले से बिठा दिया था। कुकर मेरा यहाँ पे थोड़ा सा हल्का गर्म हो चुका था तो गैस का फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम कर दिया है। साथ ही में एक चम्मच बराबर घी भी मिला लिया है और थोड़ा सा साबुत जीरा मिलाएंगे। हल्का सा चटकने लगे इसके अंदर मिला देंगे एक चॉप्ड पोटैटो और साथ ही में यहाँ पे मिला देंगे दो बड़ा चम्मच यहाँ पे मूंग का दाल। मूंग का दाल मैंने पहले से ही अच्छे से धो के भिगो के रखा हुआ था। अब साथ ही में यहाँ पे एक बड़ा चम्मच मैंने चावल को भी पहले से भिगो के रखा था, इसे भी मिला देना है। आप मूंग का दाल का जगह में मसूर का दाल का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही में थोड़ा सा एक या दो चुटकी बराबर हींग भी मिला देंगे। इससे डाइजेशन अच्छा होता है बच्चों में, तो हींग ज़रूर मिलाएं। स्वाद का हिसाब से नमक मिला लें और थोड़ी सी यहाँ पे कलर के लिए हल्दी भी मिलाएं। और सारा चीज़ों को मिलाने के बाद अच्छे से चला लें। इसे लगभग एक मिनट तक हम इसे भुनेंगे। इस तरह से भुनने से दाल और चावल के अंदर में जो एक कच्चापन होता है या पोटैटो का अंदर में, वो नहीं रहेगा और अच्छा से एक अलग ही फ्लेवर उभर के आएगा जो बच्चों को टेस्ट में डिफरेंट लगेगा। अब हमने एक मिनट भून लिया है। इसके अंदर में मेजर करते हुए 2.5 कटोरी पानी मिला देंगे। पानी थोड़ा सा हम ज़्यादा ही रखेंगे ताकि हमारा दाल चावल आलू अच्छे से यहाँ पर कुक हो जाए। अच्छे से चला लेंगे और एक उबाल आने तक हम वेट करेंगे। यहाँ पे फूड पे उबाल आना चालू हो गया है तो यहाँ पे एक कलिया लहसुन ऊपर से मिला देंगे। दोबारा से चला लेंगे और इसे प्रेशर कुकर का ढक्कन को बंद करते हुए 4 सीटी आने तक इंतज़ार करेंगे। 4 सीटी आने के बाद में कुकर को हम ठंडा कर लेंगे। उसका बाद में कुकर का ढक्कन को निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारा फूड जो है बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है, हल्का सा गर्माहट है। तो इतना में हम यहाँ पे खाना को अच्छे से दे चेक करेंगे कि ये अच्छे से कुक हुआ कि नहीं। 4 सीटी में ही हमारा फूड अच्छे से कुक होके यहाँ पे रेडी हो चुका है। अगर आप ये फूड बड़े बच्चों को दे रहे हैं तो इसे कुछ करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और ये फूड आप 8 महीने से ऊपर के बच्चों को दे रहे हैं, या तो मिक्सी जार में आप पीस ले या तो फिर इस तरह से मैसर का हेल्प से अच्छे से मैश करते हुए बारीकी पेस्ट बना लें। तो इतना अच्छा से ये फूड गला हुआ है कि आपका मैसर से ही ये फूड अच्छे से प्यूरी बन के रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे फूड हमारा रेडी है। अब सर्विंग वॉल में सर्व करेंगे बेबी को देने के लिए। इसका कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे से परफेक्ट रेडी होके तैयार है। एक्स्ट्रा हमें पानी मिलाने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर बच्चों को हल्की फुल्की भूख हो और खाना खाने के लिए आनाकानी करे तो ज़्यादा तामझाम किए बिना इस तरह से हल्की फुल्की सिर्फ आलू मूंग दाल और चावल से बनी इस फूड को आप अपने बच्चों में ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही इजीली बच्चा आपका ये फूड भी ले लेगा और उनका वजन भी तेज़ी से बढ़ने लगेगा। तो आप भी इस तरह से अपने बच्चों में इस फूड को ज़रूर ट्राई करें। ज़्यादा झंझट नहीं, ज़्यादा मेहनत नहीं, कम समय में हल्की फुल्की भूख के लिए ये फूड बन के रेडी हो जाता है। डियर पेरेंट्स एंड व्यूवर्स, आपको मेरा वीडियोस कैसा लगता है फीडबैक अपना कमेंट जरूर करें। आपका फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। ऐसे ही नए नए यूनिक रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।